हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो यू एंड मी। तो गाइस, आज का जो हमारा शो है स्पेशली हमारे मम्मियों के लिए है। तो मॉम्स, आप सबको पता है आजकल के जो बच्चे हैं हमेशा अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं या फिर उन्हें खाना ही नहीं ब्रेकफास्ट। तो क्यों ना कुछ ऐसी डिश बनाई जाए जिसे बच्चे इग्नोर ही ना कर पाए। तो गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट रिच सैंडविच, एग, वेजिटेबल्स, बटर, चीज, ब्रेड, डिलीशियस सैंडविच गाइस। और आज हमारे गेस्ट है हमारे दोस्त सचिन सांगवेकर। हाय। तो सचिन भी अभी ड्यूटी से आए, बहुत थके हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि आज उन्हें सैंडविच खाना है। तो सचिन, यू रेडी? रेडी रेडी। तो चलते हैं हमारे किचन में, लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। तो गाइस, अब सबसे पहले हम जानते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में। सचिन, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो मॉम्स, अब हम जानते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में। सबसे पहले हमें ब्रेड, टोमेटो केचप, मेयोनीज, वन सिंगल एग, ब्लैक पेपर क्रश्ड, चिली फ्लेक्स, बटर, चीज और वेजिटेबल में हम लेने वाले हैं कैप्सिकम एंड ऑनियन। आप अगर चाहते हो तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल इतना ही है। सो ऑल मॉम्स, अब हम शुरू करते हैं हमारी वेजिटेबल कटिंग, उसके बाद हम चलते हैं हमारे किचन। तो सचिन, सबसे पहले हमें हमारे वेजिटेबल्स को जूलियन कटिंग करके लेना है, ठीक है? और ऐसा कटिंग करने के बाद ये हमें सारी चीजें यहीं पे तैयार करके हमको हमारे किचन में लेके जाना पड़ेगा, ताकि हमारा समय भी बचे और हमारी डिश भी जल्दी पक जाए। तो ये हमारी वेजिटेबल हो गई कट। अब हम चलते हैं हमारे किचन महल में। यू रेडी सचिन? यस। देन लेट्स गो फॉर इट। हेलो मॉम्स, तो ये पहुंच गए हम हमारे किचन में। सो मॉम्स, अब हम किचन में हमें सिर्फ तीन काम है। एक, हमें हमारे ब्रेड को टोस्ट करना है। दूसरा, हमें हमारे वेजिटेबल को हाफ डन करना है। और तीसरा, हमें हमारे एग को फ्राई करना है। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। और ये रहा ब्रेड के लिए एक पैन और ये पैन वेजिटेबल और एग के लिए। तो मॉम्स, एक बात हमेशा याद रखना, सैंडविच बनाते वक्त हमें हमारे ऑयल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। एग फ्राई या वेजिटेबल फ्राई, वो दोनों के लिए हमें ओनली बटर का इस्तेमाल करना है। सो लेट्स गो। ये हमारे पैन अब हीट हो रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर लेते हैं और लेते हैं हमारी फेवरेट स्टिक। ये रही हमारी फेवरेट स्टिक। ये हमारा बटर फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारे सारे वेजिटेबल्स। सचिन, जाओ ब्रेड का पैकेट लेके आना भाई। इसलिए कहते हैं हमेशा सारी चीजें किचन में लेके चलो। तो मॉम्स, तब तक हमारा ब्रेड टोस्ट होगा और हमारे वेजिटेबल हाफ डन हो गए, उसके बाद हम उसे मिलते हैं। बाय मॉम्स। तो मॉम्स, हमारे वेजिटेबल पक चुके हैं। अब हम करते हैं इसकी सीजनिंग। सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और हम इसे टॉस कर देते हैं। Oh, moms, you guys are watching. तो मॉम, इस तरह से हमें इसे हाफ डन करना है, फुल पकाना नहीं है इसे।
उसके बाद हम इसे एक प्लेट में ले लेते हैं। सुजीत भाई जरा ये टेबल पर रख के आओ। अब बारी आती है हमारे एग की। तो फ्रेंड्स, एग को मैंने नमक और मसाला ऑलरेडी मिक्स कर दिया। अगर आपको मसाला पसंद है तो आप प्लीज इसे अप्लाई नहीं करना। बच्चों के लिए मैंने सॉल्ट और रेड चिली पाउडर उसको मिक्स कर दिया। तो अब हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। और फिर हमारा एग, तो ये हमने हमारा एग को फ्राई करने के लिए रख दिया है। अब बारी आती है हमारे ब्रेड टोस्ट की। तो ये अच्छे टोस्ट हो चुके हैं, ये अच्छी तरह से टोस्ट हो चुके हैं। तो मॉम्स, हमने हमारे ब्रेड्स को बटर लगा दिया है। ये हमारे ब्रेड्स को बटर लग चुके हैं और हमारा अंडा भी बन चुका है। और अब हम चलते हैं हमारे जाइनिंग की ओर। चलो तो सचिन, ये हमारा सारा रेडी हो गया है। अब हम सैंडविच बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ब्रेड, ठीक है। तो ये हमने ब्रेड ले लिया। सबसे पहले हम इस पे अप्लाई करेंगे टोमेटो केचप। और इसे अच्छी तरह से हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है? अब हम लेते हैं हमारे वेजिटेबल्स। ये हमने हमारे वेजिटेबल्स अच्छी तरह बटर में हाफ डन कर लिए थे, करेक्ट। अब हमें इस पर ऐड करना है वन मोर ब्रेड। अब हम इस पर ऐड करेंगे मेयोनेज। और अब हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। और इस पर भी हम थोड़े से हमारे वेजिटेबल ऐड कर लेते हैं। और अब हम इस पर ऐड करते हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब बारी आती है तीसरे ब्रेड की। तो उससे पहले हमें हमारे ब्रेड सैंडविच के ऊपर हमारे एग्स को लगा देना है इस तरह से। अब बारी आती है हमारे आखिरी ब्रेड की। तो हम उस पर थोड़ा सा सॉस और थोड़ा सा मेयोनीज अप्लाई करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा सैंडविच डन। अब हमें चीज को अच्छी तरह से कद्दूकस कर देना है। सचिन भाई, आप क्लोज से भी देख सकते हो, इस तरह से हमने अप्लाई कर दिया। अगर आप चाहते हो तो और आप थोड़ा और चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। अब बारी आती है हमारे कटिंग की। ये हुआ हमारा सैंडविच रेडी। अब हम करते हैं इसे टेस्ट। चलो हम टेस्ट कर लेते हैं हमारा सैंडविच
चेस have to try this और आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके बता देना। सैंडविच सच में बहुत बढ़िया बना है। ये हमारा पर्सनल सैंडविच है तो हमने इसे नाम दिया है रिच सैंडविच। तो ये एक्चुअली रिच है इसलिए क्योंकि उसमें बटर चीज एग तो इसे इतना रिच बना दिया है और ये टेस्टी भी बहुत बढ़िया लगती है। तो मम्मीज आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का शो पसंद आया। मिलते हैं हम हमारे अगले प्रोग्राम में अगली बार कुछ नई डिश के साथ। तब तक के लिए डाड़ा बाय बाय कैमरामैन चाड़ी के साथ रिची रिच।